वेलकम, मैं साक्षी, स्वागत है आपका टुडेज न्यूज़ में, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में आज के समय में कौन नहीं जानता है। दोनों की लव स्टोरी ने जितनी लोकप्रियता हासिल की थी उससे ज़्यादा दोनों का ब्रेकअप सुर्खियों में रहा है। दुनिया ने दोनों का प्यार देखा और दुश्मनी भी, क्योंकि सलमान की हरकतों के चलते जब ऐश्वर्या ने उन्हें छोड़ा था तो इसे सलमान भुला नहीं पा रहे थे। बताते चले कि सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, जिससे उबरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। ऐश्वर्या के हाथ से कई फिल्में भी निकलती जा रही थी। सलमान के डर से कोई भी निर्माता निर्देशक उनके साथ फिल्म नहीं करना चाहते थे। हालांकि जब सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय ने पब्लिकली ब्रेकअप किया तो सलमान खान का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था। इसकी वजह से ऐश्वर्या राय का करियर भी डूबने की कगार पर था। कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहता था। इस बीच हिम्मत जुटाते हुए मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म ऐश्वर्या के साथ साइन किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी पिटी थी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने अपोजिट किरदार में ऋतिक रोशन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस पर सलमान खान ने मजाक बनाया था। सलमान ने कहा था, गुजारिश फिल्म कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया, अरे उसमें मक्खी उड़ रही थी, कोई मच्छर भी फिल्म देखने नहीं गया। इसी दौरान एक बच्ची ने सलमान से पूछा था कि इंडस्ट्री में वह बड़े कैसे बने। तब सलमान ने संजय लीला बंसाली पर निशाना बनाते हुए कहा था कि यह बात बंसाली से जाकर पूछो, वह तुम पर खुद फिल्म बनाएंगे, खुद तो कमाएगा लेकिन तुमको कुछ नहीं देगा। सलमान खान के इस बात पर ऋतिक रोशन और संजय लीला का रिएक्शन सामने आया। ऋतिक ने कहा था कि किसी भी फिल्म की खिल्ली उड़ाना यह हीरो वाली बात नहीं हुई, गुजारिश एक सक्सेसफुल फिल्म है। मेरे हिसाब से जो फिल्म का मजाक उड़ाते हैं वह सही मायने में हीरो नहीं हो सकते। वैसे इस बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।